तो आके लड़की बोली कि सर देखियो कैसे बदतमीजी से बात कर रहा है। मैं उस लड़के को बोला, मैं कहा भाई कोई बात नहीं, मैं कहा ये भी फिलहाल तो यार कम से कम शर्म तो कर लो, मैं डांस वांस टीचर सिखाऊँ, टीचर हूँ मैं इनका। आते उसने गला पकड़ लिया, दें गुस्सा गुस्सा भाई, मेरा भी हाथ में आया कि वो कोका कोला की बोतल सी थी, मैंने मारी सर में, देगा पट्टा एक देनी, एक का खून लिगड़े सारे बाजी। 2 दिन में 1 करोड़ हो जाए, 5 दिन में 1 करोड़ हो जाए, उनके 100 दिन में भी 1 करोड़ पर रह जाए, कई बार कई बार वो 2 1 करोड़ तक पहुंचे गाने, तो ऐसा कई बार देखा है। लेकिन मेरे गाने सभी को धीरे मेरी धीरे कम राम होते राम। हैं। मैं आपका अपना दीपक बेनीवाल, और आज हमारे साथ है हरियाणा के सुपरस्टार, जो एक अच्छे एक्टर भी हैं, राइटर भी हैं, और इनकी जो सिंगिंग, अभी जो इनका सॉन्ग आया था गुनेगार, सबसे पहले उनको बहुत बहुत बधाई हो सर। भाई बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद और दर्शकों का भी धन्यवाद, इतना प्यार दिया गुनेगार सॉन्ग को। और सच बताऊं तो पहली बार हम इतने स्टार इकट्ठे हुए थे, केडी भाई हैं, पहली बार एंडी, हुआ था ऐसा हाँ पहली बार चार। हुआ था, केडी भाई हैं, एंडी दिया जी हैं, राजू पंजाबी जी हैं, मैंने और एंडी ने भी काफ़ी काम किया है, मैंने और राजू ने भी काफ़ी काम किया है, लेकिन हम सब ने मिल के इकट्ठा काम नहीं किया था। तो बहुत सारे ऐसे फ़ोन आते थे मेरे पास, कमेंट भी आते थे कि केडी के साथ भी आप करो, केडी के पास भी जाते थे कई बार, केडी भी मिलता था किसी प्रोग्राम में तो कहता था कि भाई आप और हमारा कोई कोलाब्रेशन ऐसा करते हैं, प्लानिंग बनते बनते रह जाती थी। अचानक एंडी दिया जी ने बोला कि भाई ऐसे ऐसे गाना है ये, केडी ने रैप कर दिया, उन्होंने म्यूजिक कर दिया, मेरे को सोच के उन्होंने लिखा था गाना, मैंने कर दिया और ये आप लोगों के सामने आ गया, धमाल मच गया भाई। धन्यवाद दर्शकों, सबका धन्यवाद है। तो ये हरियाणा में पहली बार हुआ है चार स्टार एक साथ। हाँ जी पहली बार हुआ है सर। और अभी जो आपका 18 तारीख को मीठे मीठे सॉन्ग आ रहा है, उसके लेकर क्या कहोगे? मीठे मीठे सॉन्ग नहीं है, गाने का नाम है मीठे मीठे बोल मीठे मीठे बोल जी, और गाना भी मीठा सर, मीठा है सच आपका में। हाँ जी राजमावर जी का फोन है। देखो उन्हीं का जिक्र चल रहा है और राज मावर जी का ही फोन आ गया। हेलो, हाँ राज भाई, राम राम भाई, राम राम। हाँ जी भाई यार पक्का है 18 तारीख ना? हाँ भाई डन है। अच्छा राज मैं ना एक बार इंटरव्यू देने ला रहा हूँ, हाँ अच्छी तरह प्रमोट करना भाई गाना, ठीक है ना? ठीक ओके, फिर ओके करता हूँ, ठीक है भाई। लो भाई किसी आज फोन आओ बीच में नहीं। ठीक है सर। हाँ जी तो मीठे मीठे बोल की एक लाइन जो आपको बहुत पसंद हो। हाँ सर, इसकी सारी लाइनें बहुत पसंद है मेरे को, गाना ही मतलब कैची है, कोई भी लाइन ऐसी नहीं है, मतलब इसका तो म्यूजिक भी पसंद है, खाली जहाँ पर लिरिक्स नहीं है ना वो भी पसंद है इसका, तो गाना इतना ज़बरदस्त है। और सच बताऊँ तो गाने का निचोड़ है एक जगह ना, मेरी जिंदगी की बस तू है फिल्म से, तेरे तो शुरू और तेरे पे तेरे पे ख़त्म खत्म से, से। मतलब ज़बरदस्त लाइन है और एंडी दिया और ने एक मैंने भी ये नंबर। पूरा सॉन्ग सुना है यहाँ पे आके, बहुत मस्त सॉन्ग है, बहुत मस्त फुल। आप जब ने स्टार्टिंग में मैंने सुनाया था, ऐसे लग रहा था यहीं पे डांस करने लग जाऊं। बिल्कुल डीजे वाला सॉन्ग है, मस्त सॉन्ग है, तो जरूर आपको पसंद आएगा सभी दर्शकों को। बिल्कुल, और रोमांटिक सॉन्ग भी है ये, लव सॉन्ग भी है, एंड दिया जाने कमाल का लिख दिया, और सबको लगेगा कि भाई इसमें लेखनी जो है अलग लेवल की है, हटके लिखा है और गहरी बातें लिख रखी हैं, मतलब कि लड़की की आंखों के बारे में भी अलग चीज़ लिख रखी है, चाल के बारे में भी अलग चीज़ लिख रखी है, लड़की के श्रृंगार के बारे में ना बहुत सारे गाने आ रखे हैं, लेकिन ये जो गाना हाँ है ना अलग किस्म की कलम, अलग चीज़ें, मतलब एक हो जाता है ना कई बार कई चीज़ें लिखी जाती हैं, तो मेरे हिसाब से ये बहुत बढ़िया सॉन्ग है और बहुत अच्छा एंडी दैया जी ने लिख रखा है ये गाना। तो शूटिंग के टाइम पे आपको कोई दिक्कत वगैरह नहीं होती? शूटिंग पर दिक्कत ही दिक्कत हो जाएगा भाई, शूटिंग पर कोई मतलब इतना ईजी तो है नहीं, जाकर शूटिंग कर दो पहले, तो क्योंकि गाने का कॉन्सेप्ट अलग किस्म का था, रोमांटिक सॉन्ग था, तो मेरे सिर पे जिम्मेदारी थी, जब भी मैंने कोई रोमांटिक सॉन्ग किया है मेरी छवि है कि लोग ना मेरा डांस देखना पसंद करते हैं, लेकिन जब भी मैंने कोई भी रोमांटिक सॉन्ग किया है तो वो भी बहुत बड़ा हिट हुआ है, और इसी ये रोमांटिक सॉन्ग था तो इसका भी एक मतलब एक चैलेंज था मेरे लिए कि कैसे इसको फिल्माऊं, कॉन्सेप्ट कैसा लूँ, लोगों जो है वो स्टोरी से जुड़ जाएँ, तो और दिक्कत सबसे बड़ी थी एंडी दिया, एंडी दिया की दिक्कत ये थी कि उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि एट ए टाइम मैं शूटिंग कैंसिल कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि सॉन्ग 18 तारीख को रिलीज़ है और लोकेशन जो है इसमें स्कूल की लोकेशन थी, एक इंस्टीट्यूट था ओम शांति, उसकी लोकेशन ले रखी थी, वो भी कैंसिल नहीं कर सकते थे, तो एंडी को करीबन ज़्यादा नहीं तो पूरे दिन में 6 बार दवाइयाँ दी हमने, और लास्ट में जो है इंजेक्शन लगवाया, जब जाके थोड़ा आराम आया और जब आराम आया तो पैकअप ही हो गया था, यानी कुल मिला के पूरे दिन उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी, और स्कर्ट के अंदर लड़कियों ने काम किया है इस गाने के अंदर, तो ठंड आप में खुद, भी हाँ ठंड सर्दी इतनी ज़्यादा थी आप खुद समझ सकते हो, तो कि बहुत सर ज़्यादा ही कोई मतलब नहीं इसमें। हाँ जी भाई कोई नहीं सर। लो भाई ये थैंक यू, क्या पीते रहते हो सर आप? क्या पीते रहते हो? इसमें अफीम घोल रखी है मैंने, अफीम प्रोटीन घोल है, रखी प्रोटीन है है, तो प्रोटीन है भाई ये, ये इनका राज यही है क्या? नहीं इनका राज ये, देखो प्रोटीन क्या होता है, हर वो सोर्स जो हमारी बॉडी के लिए मतलब कि अच्छे प्रभाव डालते हैं,
जैसे प्रोटीन है या फिर कार्ब, जैसे अगर बहुत ज़्यादा कार्ब आप लेते हो तो बहुत हेल्दी हो जाते हो। तो मैं संतुलित आहार खाता हूँ और बहुत कम खाता हूँ, और वर्कआउट करने में विश्वास रखता हूँ, तो ताकि आपकी बॉडी भी मेंटेन रहे। मैं भी आपकी तरह बनाना चाहता हूँ, क्या करूँ मैं? जिम कराया अगर भाई, एक्सरसाइज कराया अगर, बढ़िया रहा अगर, और दूसरा तो संभल कराया अगर, दूसरा समझ गया, ये भी दूसरा पीना जरूरी है। ये भी पीना जरूरी है। हाँ, तो जो ये मीठे मीठे बोल सॉन्ग की शूटिंग आपने कितने दिन में पूरी कर ली थी? शूटिंग 2 दिन में कंप्लीट हुई, 2 दिन और एक रात लग गए थे इस गाने में। और 2 दिन इसलिए लगे इस गाने में क्योंकि एंडी दिया की तबीयत खराब थी, इस वजह से। इस वजह से। और जो ये दूसरे सिंगर है, इनके सॉन्ग पर एक एक दिन में करोड़ करोड़ व्यू आ जाते हैं, लेकिन आपके ऐसा कभी देखने को नहीं मिला, क्या कारण है ये? भाई हम मतलब जितने मेरे व्यू है ना वो नेचुरल हैं, और ना मेरे को कुछ दिखाना होता कि भाई हम तो 2 दिन में 1 करोड़ कर देंगे, हम तो 5 दिन में 1 करोड़ कर देंगे। मेरा तो अपना रिकॉर्ड रहा है भाई, मेरे गाने ची धीरे धीरे चले लेकिन 400 मिलियन तक भी पहुंच जाते हैं। मैंने देखा जिसके 2 दिन में 1 करोड़ हो जाए, 5 दिन में 1 करोड़ हो जाए, उनके 100 दिन में भी 1 करोड़ पर रह जाए। कई बार वो 2 1 करोड़ तक पहुँचे गाने, तो ऐसा कई बार देखा है। लेकिन मेरे गाने धीरे धीरे करके चलते रहे, कछुए की चाल चल रहा भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी सबका अपना नज़रिया है यार। कोई अब सलमान खान का गाना आते 1 दिन में 1 करोड़ हो जाए, उसका गाना तो 1 1 करोड़ रहे, मेरा धीरे धीरे करके सलमान खान के गाने ने भी क्रॉस कर जाए कई बार, 5 करोड़ पे पहुंच हाँ जाता पाँच है। करोड़ भी पहुँच जाए, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो अगले अगला का सिस्टम है, जैसे भी है। तो हरियाणा की आपकी फेवरेट मॉडल कौन है, मेल और फीमेल में, दोनों में? मेल में तो सारे छोरे कसुत्ता काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, और फीमेल में सारी छोरी पूरी हिम्मत मार रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सारी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। मतलब सभी एक जैसे हैं आपके लिए? सब एक जैसे क्यों, सब अलग अलग हैं। कोई बढ़िया काम किसी का, कोई सिंगिंग अच्छी कर रहा है, कोई एक्टिंग अच्छी कर रहा है, कोई कुछ बढ़िया, मतलब अलग अलग लेवल पर अलग अलग हैं सारे, बहुत बढ़िया हैं सारे। और विजय वर्मा, एक जो एक्टर नहीं होते, विजय वर्मा यदि आप एक एक्टर नहीं होते तो क्या होते? मैं या तो CA होता भाई, या फिर इंस्पेक्टर होता। तो स्टडी से आप इंटेलिजेंट रहे हो स्टडी में? बिल्कुल, 12वीं क्लास तक मैं जो है दूसरी क्लास में सेकंड आया था मैं, बाकी 12वीं क्लास तक मैं फर्स्ट आया हूँ। फर्स्ट आए हाँ, हो पढ़ाई में तो भी। आपकी मतलब स्टडी वगैरह में आपने क्या कर रखा है? स्टडी में मैंने BCom कर रखा है भाई। और आपको खाने में क्या पसंद है सबसे ज़्यादा? खाने में चूरमा पसंद है अपना, देसी घी का, और गरम गरम जो चूल्हा है अगर चूल्हे के दौरे बैठ के, और भाई गरम गरम उसमें थोड़ा घी डलवा के वो खाना पसंद है। खीर पसंद है, पनीर की सब्जी पसंद है, लेकिन ये मैं डेली सेवन नहीं करता हूँ। जब मेरा मन हो, जब कति न्यू कति छकमा जी कर रहा हो, नू इसी कोई वो भी नहीं है कि भाई डाइटिंग पे रहना ज़रूरी है, जब मन करे जब आप खींच दिया अगर मीटर। मतलब देसी खाना पीना है सारा। देसी खाना पीना पसंद है भाई। सुनने में आया है कि आप सोते बहुत कम हो, इसका क्या कारण है? मतलब काम ज़्यादा है ना, काम ज्यादा प्रेशर होने इतना के कारण? ज़्यादा, प्रेशर इतना ज़्यादा रहता है क्योंकि देखिए मेरे काम ज़्यादा हैं। एडिटिंग भी मैं करता हूँ, डायरेक्शन भी मैं करता हूँ, एक्टिंग भी मैं करता हूँ, और फिर जो कोरियोग्राफ है या फिर टीम मैनेजमेंट है या जितना भी जो कुछ है मेरे गाने में, जैसे एंडी दिया जी ने लिख दिया गाना, सही वहाँ से उनके साथ से स्टार्ट हो जाता है। जी। हमारा टीम वर्क है, वो मेरे से पूछते हैं ये लिखनी है, ये चीज़ें हैं, कैसे कैसे क्या करें, स्टोरी में कुछ आपको चेंज चाहिए, लिरिक्स में चेंज चाहिए, फिर म्यूज़िक के पास जाते हैं, फिर म्यूज़िक वाला मेरे से पूछता है कि इसके अंदर क्या आपका कॉन्सेप्ट है, वो चीज़ें लेकर चलते हैं। तो पूरे में इन्वॉल्वेशन इतना ज़्यादा रहता है, सोने का तो फिर टाइम थोड़ा कम ही मिलता है, कोशिश करता हूँ कि नींद निकल जाए। नींद निकल जाए। जी तो आपको कभी किसी लड़की ने थप्पड़ वगैरह मारा है आज तक? नो, किस तरह हाथ लगा सके, कमाल है। हम किसी छोरी लड़की कुछ गड़बड़ कुछ ऐसे वर्ड यूज नहीं करेंगे, कुछ गलत बोलने ही नहीं गए तो कौन हाथ लगा होगा भाई। और भाई सब लड़कियाँ की और औरता की बहुत इज्जत करूँ मैं, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। शूटिंग पे सैंडल वाले गाने में पिटाई हुई थी, और भाई मैडम बैटल रॉयल में पिटाई हुई थी, और उसमें पिटाई हुई थी, बहुत सारे गाने हैं जिनमें पिटाई हुई है असली में कभी नहीं मारा किसी ने? असली में। नो, कौन हाथ लगा दे मेरे यार। अच्छा, कभी आपकी शूटिंग टाइम पे लड़ाई वगैरह हुई हो किसी के साथ? शूटिंग टाइम पर तो कोई लड़ाई नहीं हुई क्योंकि शूटिंग टाइम पर मैं ही बोला करूँ, बाकी सब तो सुनाया करें। हाँ, कॉलेज में लड़ाई हुई थी, कॉलेज में हुई हो हाँ कॉलेज में कभी? एक बार लड़ाई हुई थी यूथ फेस्टिवल के दौरान। मैं लड़कियों का डांस तैयार करवा रहा था, तो कैंटीन में कुछ लड़के थे तो लड़कियों के साथ शरारत कर रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि मैं हीरोइज्म दिखा रहा था, और मैं बोला ही नहीं, लेकिन वो लड़की मेरे पास आ गई, उन्होंने बोली सर देखियो। अच्छा, मैं खुद उन लड़कियों से छोटा था उम्र में, पता है आपको, ठीक वो है। मेरे से बड़ी थी उम्र में, लेकिन एक सर की रिस्पेक्ट होती है ना, तो क्योंकि मैं उनको डांस सिखा रहा था। तो आके लड़की बोली कि सर देखियो कैसे बदतमीजी से बात कर रहा है। मैं उस लड़के को बोला, मैं कहा भाई कोई बात नहीं, मैं कहा ये भी फिलहाल तो यार कम से कम शर्म तो कर लो, मैं डांस वांस टीचर सिखाऊँ, टीचर हूँ मैं इनका। आते उसने गला पकड़ लिया, दें घुसम घुस्सा भाई, मेरे भी हाथ में आया कि वो कोका कोला की बोतल सी थी, मतलब मारी सिर में देगा पट्टा एक दिनी, एक खून लिगड़े सारे बाज गए, यह लड़ाई हुई थी।
तो आपकी जो एक दिलदार मूवी है वो कब तक आ रही है? बहुत सारे व्यूअर का ये क्वेश्चन चल रहा है। दिलदार मूवी के बारे में बहुत बार मैंने फेसबुक पे भी डाला है, क्योंकि मैं कुछ भी कमेंट कर दूं, कुछ भी पिक डाल दूं, कुछ भी कर दूं, लेकिन दिलदार के बारे में सारे पूछना चाहूँ हैं। हाँ दिलदार मूवी का ऐसा है कि वो बीच में रुक गई थी, किसी कारण से बंद हो गई थी, और दोबारा से स्टार्टअप हो नहीं रहा है। अभी नए सिरे से देखते हैं, कुछ और फिल्में आएंगी। सोनोटेक्स है मेरी, और बहुत अच्छे लेवल पे है। एक फिल्म अभी जस्ट आने वाली है, शॉर्ट फिल्म है, तो मतलब माइंड ब्लोइंग। उसके कंसेप्ट अलग है, स्टोरी मतलब आप उसमें देखोगे, एक शॉर्ट फिल्म के अंदर भी कॉमेडी भी है, ट्रेजेडी भी है, ड्रामा भी है, एक्शन भी है, लड़कियों के लिए मैसेज भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं फिल्म के अंदर। तो आप ऐसी कोई एक मॉडल बताइए जिसके साथ आप काम करना चाहते हो। सारी बहुत बढ़िया छोरी हैं, सब बढ़िया काम कर रहे हैं। और वैसा तो कोई मन स्पेशल, आंख बंद करके तो कोई दिखती है कोई ना लगता है, अगर इसके गला भी काम करना चाहिए। जो भी जैसे भी कंपनी अलाउड करती है, कंपनी कहती है कि भाई इस मॉडल के साथ काम करो, आप कर लिया करा। लोग आपके फैन है, आप किसके फैन हो? अमिताभ बच्चन का फैन हूँ मैं, और काजोल है उनका फैन हूँ, आशा पारेख का फैन हूँ, और जो भी इस धरती पे अच्छा काम करे है और जो एकदम से टच हो जाए यहाँ पे। कई बार हम यूट्यूब पे वीडियो देखा है और बहुत अच्छी अच्छी वीडियो होती है, मैं तो भाई फैन हो जाऊँ तुरंत। आज तक मतलब कभी किसी लड़की ने आपको प्रपोज किया हो? बहुत सारी लड़कियों ने प्रपोज़ करा है, कॉलेज टाइम में भी प्रपोज़ किया था, स्कूल टाइम में भी प्रपोज़ किया था। मतलब आपका कहने का मतलब कि दिखने में ठीक नहीं हूँ मैं। गणेश ठीक ठाक हो? अच्छा फिर ठीक है, थैंक यू। और भाई ये उसके बाद तो देखो स्टार बन के थोड़ा बहुत नाम हो गया, कलाकारी में आगे, तो जाहिर सी बात है फ़ैन होते हैं तो वो आपको दिल से चाहते हैं, सही तो बात है। हाँ तो प्रपोज भी हो जाते हैं उसमें। ऐसी बात नहीं है कि प्रपोज नहीं होते हैं, बट जितनी भी मेरी फ़ैन है सबके लिए रिस्पेक्ट है। किसी के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आपने प्रपोज़ किया या मैंने आपको मना कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। सबको सीधी सिंपल सी बात बोलता हूँ, आप मुझे प्यार करते हैं और मैं बदले में आपको प्यार करता हूँ, क्योंकि आपकी वजह से मैं हूँ। चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। लड़का हो लड़की हो यार, मेरे तो अभी मैं एक आपको एक घटना बताऊँ। मैं जिम से निकल रहा था अभी, करीबन 4-5 दिन पहले की बात है। तो एक बहुत एक तो दादा ठीक की उम्र है। का बंदा, और किसी एक शॉप, ये डाइट वाली शॉप होती है ना, उसके कॉर्नर पे खड़ा था। कॉर्नर पे खड़ा यार, मैंने दूर से झोली लेना है, मैंने सोची कोई रास्ता रुस्ता पूछता होगा, मैं भाज के गया। मैं कहा हाँ जी, तो बोला भाई मैंने तू देख रखा है। मैं बोला मैं कहा जी, मैं कहा मैं तो यहीं आता हूँ जिम में। बोला ना मैंने देख रखा है। मैं कहा यहीं जिम में देखा होगा आपने कहीं। बोला भाई तेरे वर्गा छोरा ना हमारे टीवी में आया करे। तो मैं समझ गया मैं ताऊ ने तो गाना देख रखा है, क्योंकि फिर मैं बोला मैं ताऊ मैं वो ही हूँ। तो वो बंदा था जो काउंटर पे खड़ा था, वो ने बोला ताऊ विजय वर्मा ये तो है। बोला हाँ भाई छोरे तू नाचे बहुत सोना, ले तेरा सर पुचकारू। तो मतलब ऐसा नहीं है, लड़के भी लड़कियाँ भी, बुजुर्ग भी फैन है, माताएं बहनें सब फैन है, कोई दिक्कत नहीं। मैं मतलब कि आपको सच बताऊँ ना, तो इतना प्यार मिला है पब्लिक का, और हमेशा उनका शुक्रगुजार भी रहता हूँ मैं। और अभी जो आपका मीठे मीठे सॉन्ग आ रहा है 18 तारीख को, मीठे आपको क्या मीठे लगता बोल है मीठे मीठे बोल ये हिट होगा या नहीं होगा? भाई, हिट होगा, हम तो चाहो हिट होगा, और हिट के लिए ही बनाया है हमने तो, और बाकी तो पब्लिक के हाथ में है। और पूरी पूरी उम्मीद है कि धुम उठाएगा, और भाई ये बैठे हैं अगर जितने भी, ये सारे शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, गाने पे भी कमेंट बहुत करेंगे। बढ़िया गाना है, मैंने भी सुना है, एक नंबर, मतलब डीजे पे चलने वाला सॉन्ग है। तो 18 तारीख को आ रहा है, जो व्यूअर उनको क्या कहोगे आप? नए नए व्यूवर सबको ये कहूँगा भाई, अच्छी अच्छी वीडियो देखो और प्यार करो, सपोर्ट करो, आसपास सफाई रखो, किसी को कुछ गलत मत बोलो क्योंकि लोग मुंह तोड़ दे हैं। अपना ध्यान रखो और भाई माता पिता की इज्जत करो। तो यही था, ये थे हमारे साथ हरियाणा के सुपरस्टार विजय वर्मा जी। ऐसे ऐसे इंटरव्यू हम आपके लिए लेके आते रहेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।